हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। जैसे कि आपको पता ही है कि अब फेस्टिव सीजन धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गए हैं और इस कोरोना की वजह से मार्केट्स बहुत कम ही खुल रहे हैं और लोग प्रेफर भी नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ नई चीज़ें बाय करें, क्योंकि कोरोना का इतना ज़्यादा डर हो गया है कि लोग सोच रहे हैं हमारे पास जो पड़ा हुआ है घर पर हम उसी को यूज़ कर लें। तो जैसे आपको पता ही है कि प्रोफेशनली मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, मैंने सोचा क्यों ना हम एक वीडियो करें जिसके अंदर हम कुछ आउटफिट आइडियाज़ दें लोगों को कि कैसे वो अपने आप को मेकओवर कर सकते हैं, फिर या कैसे वो अपने आप को स्टाइल कर सकते हैं अपने पुराने कपड़ों के साथ जो उनके पास पहले यूज्ड कपड़े हैं जिसको उन्होंने पहले भी यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि अभी लोग जल्दी कुछ नया बाय नहीं करना चाह रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे पास जो पुराने कपड़े रखे हुए हैं उसी को स्टाइलिंग करके कुछ उसको एक्सेसराइज करके अच्छे से उसको हम यूज़ कर सकते हैं बंधन के लिए और ईद के लिए। अगली वीडियो में मैं कुछ 4-5 स्टाइल्स आपको शो करूँगा कि कैसे आप अपने पुराने रखे हुए कपड़ों को भी स्टाइल करके एक बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं अपने फंक्शंस के लिए या फिर अपने जो फेस्टिवल आ रहे हैं उसके लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिल्कुल 0 इन्वेस्टमेंट है, आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, बस अपने पुराने कपड़े अपने ट्रंक में से निकालने हैं, अपने अलमीरा में से निकालने हैं और उनको यूज़ करना है, थोड़ा सा स्टाइल करना है, अपनी एसेसरीज़ को पेयर करना है अच्छे से और आप रेडी हैं अपने फेस्टिवल लुक के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो जो हमारा ये फर्स्ट लुक है इसको मैंने क्रिएट किया है एक लहंगा सेट से। तो वहाँ से हमने लहंगे को पिक किया है और इसको हमने पेयर किया है ब्लैक शर्ट के साथ कि इसका लुक थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी आ जाए। और इसमें हमने एक हैवी पर्ल और वाइट स्टोन का नेक पीस यूज़ किया है और एक मिरर की रिंग यूज़ की है जिससे ये ओवरऑल लुक को और एनहेंस कर रही है। और इस लुक को आप कहीं भी पहन सकते हैं, रिसेप्शन में, पार्टीज़ में या किसी शादी में। और ये सेकंड लुक के लिए मैंने एक बेसिक वाइट कॉटन का गरारा लिया जिस पे गोटे का वर्क हुआ है, उसको हमने पेयर किया है एक सी ब्लू कुर्ती के साथ, शॉर्ट कुर्ती के साथ, जिस पे कि नेक पे थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क है और इस पे हमने झुमकाज लिए हैं और बाल को सिंपल ही रखा हुआ है। तो इस लुक को आप यूज़ कर सकते हैं रक्षाबंधन या ईद के लिए। और ये जो पाउच बैग है, अगेन ये DIY है, ये मेरा आपने लास्ट वीडियोज़ में देखा ही होगा। और इस थर्ड लुक के लिए हमने एक लॉन्ग ट्यूनिक को यूज़ किया है एज अ मैक्सी ड्रेस। इसमें हमने पेयर किया है इसको एक बिग झुमकास के साथ जो इसकी ओवरऑल लुक को बहुत एनहेंस कर रहा है। और इसको भी आप कहीं पे भी अगर बाहर कोई फंक्शन के लिए जा रहे हैं उसमें अटेंड कर सकते हैं। और इसको हमने पेयर किया है एक सिंपल ब्लैक बेल्ट के साथ जो हमने वेस्ट पर टाई की है इस तरीके से। और इस लुक के साथ आप कैरी कर सकते हैं एक ये टोट बैग जो अगेन मेरा DIY है। अब इस फोर्थ लुक के लिए हमने एक शरारा यूज़ किया है जिस पर थोड़ा सा गोटा का वर्क है और इसको पेयर किया है हमने वाइट टॉप के साथ। और ये जो नेक पीस है, अगेन ये मेरा DIY है जिसकी वीडियो आप बहुत जल्दी आगे देखेंगे। और इसमें हमने यूज़ किए हैं सिल्वर ईयररिंग्स, तो इसका भी लुक जो है बहुत ही रिफ्रेशिंग और कुछ न्यू लग रहा है। ये लुक बहुत ही रिफ्रेशिंग है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आगे आने वाले फेस्टिव सीजन्स के लिए, अपने पार्टीज़ के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे हमने पूरी वीडियो में 4 तरीके के आउटफिट्स के आइडियाज़ दिए जिसको आप रक्षाबंधन या ईद के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसमें जितने भी जो आउटफिट थे वो सारे यूज़ थे, ये कोई भी न्यू आउटफिट नहीं था, वो सारे पहले यूज आउटफिट्स हैं। बस उसमें हमने थोड़ी सी ईयरिंग्स या फिर थोड़ी सी एसेसरीज़ के साथ उसको एक ओवरऑल पूरा एक नया लुक क्रिएट किया। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो कि आप आने वाले फेस्टिव सीजन्स में ऐसा कुछ ट्राई करें अपने कपड़ों के साथ, अपने जो भी घर पे कपड़े रखे हुए हैं उसको बाहर निकालिए और कुछ थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालिए, अपने थोड़ी 2-4 एसेसरीज ऐड ऑन कीजिए और बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं आप घर पे ही, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो मेरी थोड़ी सी स्टाइलिंग मैंने करने की कोशिश करी आप लोगों के लिए, वो आपको अच्छी लगी हो और ये आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक देता हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ जाके फॉलो कीजिए न्यू अपडेट्स के लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मिलते हैं मज़ेदार अपनी नेक्स्ट वीडियो में।